अक्सर लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि बेटा फार्मेसी कर लो, बहुत पैसे है, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा और आप जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। हाँ, फार्मासिस्ट तो बस नोट छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो देखिए। हाँ, ये सैलरी है इनकी और ऐसे कई फार्मासिस्ट जो कि किसी फार्मेसी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल जॉब कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग का हो या सेल्स का हो। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में करीब 12 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मौजूद हैं, जिसमें से 4 लाख को तो रोजगार मिला है, बाकी 8 लाख अनएम्प्लॉयड है। तो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के फार्मासिस्ट को करना क्या हो एक अच्छे जॉब के लिए, उस सपने के लिए जिससे वो अच्छी जिंदगी जी पाए। आज के वीडियो में मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल इंडिया में करीब 40,000 फार्मासिस्ट 1500 कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं और सबके मन में एक सपना होता है कि उनको भी सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनी में जॉब मिलेगी और उनकी भी तस्वीर पेपर में ये छापते हुए आएगी कि आदर्श मिश्रा का 20 लाख के पैकेज पे हुआ सिलेक्शन। पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन बदकिस्मती से अधिकतर लोग आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलेंगे। स्टोर है दोस्तों, बी फार्मा चाय वाले, जी हाँ, बहुत ही सुंदर नाम है दोस्तों। फार्मा बीच के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 12 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में से 4 लाख फार्मासिस्ट को अभी तक जॉब मिली है। दोस्तों, इंडिया में 1400 से ज्यादा फार्मेसी कॉलेज है जो कि एक फार्मासिस्ट को तैयार करते हैं। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु ये सच्चाई नहीं है। कुछ कॉलेज नामी है तो वही कुछ कॉलेज स्कैम से छूटे नहीं। अब एक फार्मासिस्ट किसी नामी कॉलेज से आया है या स्कैम कॉलेज से आया है, यही आपका पैकेज डिसाइड करता है। It was very clear by then that one, the curriculum was outdated, but the teaching was very bad. Like we were like literally getting nothing out of the college. दोस्तों, इंडिया में पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए कॉलेज बनाने की परमिशन लेना आम बात है। अब कॉलेज बनाने से कोई दिक्कत नहीं, परंतु कॉलेज बनाने के चक्कर में लोग एजुकेशन को भूल जाते हैं। फॉर्मर IIT रुड़की के डायरेक्टर प्रेमव्रत बताते हैं कि हमारे देश के ज़्यादातर कॉलेज बनावटी हैं। वे अच्छे कैंपस, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लेते हैं, परंतु पढ़ाई के नाम पर इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। देखिए दोस्तों, इन सब में हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदारी एक और चीज को उठानी पड़ेगी। AICTE और इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनकी जिम्मेदारी ये देखना है कि जो कॉलेज हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है। परंतु दोस्तों, आउटलुक की एक मैगजीन ने AICTE को सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक कहा है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है जो कि कॉलेज क्या करते हैं, 1000 से लेकर लाखों तक चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है एक मैनेजमेंट कोटा सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि बच्चे भारी रकम देकर कॉलेज में अपना दाखिला दर्ज कराते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें से लगभग 15 सीट क्या होता है कि मैनेजमेंट कोटा सिस्टम को अलॉट किया जाता है, जिसमें बच्चे जो मेरिट नहीं कर पाते वो भारी रकम देकर सीट को अपने नाम करते हैं। अब ये जो मैनेजमेंट कोटा सिस्टम है, इसी वजह से कॉलेज में जितनी फैकल्टी है उनको पेमेंट किया जाता है और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाता है। परंतु यहाँ प्रॉब्लम ये है कि AICTE जैसी बॉडी ढंग से रेगुलेट नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि कॉलेज में कितने बच्चे मेरिट से आए हैं और कितने बच्चे मैनेजमेंट कोटा सिस्टम से आए हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ डोनेशन से पैसे तो मिल जाते हैं, परंतु वो मैनेजमेंट की जेब में जाते हैं। स्टूडेंट और उनके परिवार को तो ये पता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तो स्टूडेंट अपनी पसंद के कॉलेज में जाते रहते हैं और ये कॉलेज बनाते रहते हैं। दोस्तों, आप अगर पूछेंगे तो अधिकतर लोग आपसे यही कहेंगे कि उन्हें फार्मासिस्ट बनाया नहीं, वो खुद से पढ़ के बनते हैं। Moreover, 48 subjects will be there. 8 semesters, 48 subjects, 12 plus labs. You don't have enough time. मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाने के लिए आपको फार्मास्यूटिक्स का टीचर अलॉट कराया जाना, ये
एक प्राइवेट कॉलेज की कहानी नहीं है। इंडिया में ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज की यही कहानी है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा हो। इवन आप खुद समझिए कि आपको कोई भी चीज सीखने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेना मस्ट है, पर अधिकतर कॉलेज में तो प्रैक्टिकल के नाम आपको ऐसे केमिकल पकड़ा दिए जाते हैं जिनको एक्सपायर होने सालों बीत चुके हैं। परंतु दोस्तों, प्रॉब्लम यही नहीं है। AICTE के नए नियम के अनुसार एक कॉलेज में 15 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, यानी कि 15:1। परंतु हमारे इंडिया में 28:1 का अनुपात चल रहा है, और वहीं कुछ राज्य में तो इससे भी गया गुजरा है। जैसे कि बिहार में 68:1 तो वहीं झारखंड में 81:1 का है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर 81 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है तो वो क्या ही नया सीखने की अपेक्षा कर सकता है, क्योंकि टीचर को कुछ सीखने के लिए उसे भी तो समय देना जरूरी है। वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा तभी तो हमें कुछ सिखाएगा। इसीलिए स्टूडेंट और टीचर के बीच जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक हमें कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिलता, और यही कारण है कि टीचर भी पीठ दिखाकर पढ़ाते हैं और क्लास से चले जाते हैं। दोस्तों, CAG के एक रिपोर्ट ने बताया कि उनके एक सर्वे में 3000 में से 1000 टीचर तो पढ़ाने के योग्य ही नहीं, और अधिकतर कॉलेज में फैकल्टी मेंबर को एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर और प्रोफेसर को डायरेक्टर बना दिया जाता है। दोस्तों, कई अच्छे प्राइवेट कॉलेज अपने फैकल्टी मेंबर को 25,000 से ऊपर तो उनको पेमेंट ही नहीं देते, तो इतने में आपको कैसे एक अच्छी सीख मिल पाएगी, आप ही बताइए। एक अच्छे कॉलेज में टीचर ऐसे होने चाहिए जो आपको एक्चुअली में पढ़ाए, ना कि मजबूरी में। और इसमें हम केवल फैकल्टी को ही दोष नहीं दे सकते। अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 3 स्टूडेंट का अटेंशन 100% होता है, बाकियों का पता नहीं। और इसी वजह से एक फार्मासिस्ट की जॉब तो छोड़िए, एक ढंग की भी जॉब नहीं मिल पाती। दोस्तों, इंडिया के ऑलमोस्ट कॉलेज में लगभग एग्जाम देने के लिए 75-85% तक अटेंडेंस करना मस्ट है, और इसे छोड़कर काफ़ी स्टूडेंट कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे कि नए नए आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं जो कि हमारे देश के ग्रोथ में काफ़ी लाभदायक होता है। अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमारे देश में हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, गवर्नमेंट खराब है। अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच में उनको लिंक बढ़ाना होगा, ताकि स्टूडेंट का वो प्लेसमेंट करा सके और स्टूडेंट को कुछ नया सीखने को मिले, ताकि उनका फ्यूचर भी सेफ हो और हेल्थ सिस्टम में काफ़ी उभार देखने को मिले, क्योंकि फार्मासिस्ट मेडिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही मजबूत लिंक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।